चलो सेकंड सीन का शूटिंग है। मेकअप दादा, मेकअप दादा, मेकअप दीदी। वाह, व्हाट अ वंडरफुल वंडरफुल डे, क्या बात है। और आज हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे फोटोज़ रील्स निकालने में जो मज़ा आएगा, मतलब जो इंस्टाग्राम पे है उन लोग को पता है ऑलरेडी कि हम लोग कहाँ गए थे, इसीलिए बोलता हूँ इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करना वॉन्डर सेंट, ताकि ये जो अपडेट्स होते हैं, ये जो चीज़ें होती है, ये जल्दी आपको दिख जाए। और ये देखो, व्लॉगिंग करने नहीं देते हमारे सेठ। सो वेरी एक्साइटेड फॉर फोटोज़ एंड वीडियोज़ टुडे, लेकिन उसके पहले थोड़ा ग्रूमिंग वूमिंग कर लेता हूँ, मतलब फोटोज़ और वीडियोज़ एकदम बढ़िया है। तो आजकल मेरा शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक चल रहा है, मतलब ऑफिस के काम, उसके बाद चैनल के काम, फिर घर के काम। बिकॉज ऑफ दैट कभी कभी लेट नाइट एडिटिंग करनी पड़ती है, ऑफिस का काम करना पड़ता है, उसकी वजह से थोड़ा अनइवन स्किन टोन हो जाता है, स्पेशली थोड़े बहुत डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। तो आपको तो पता है कि आजकल मैं मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहा हूँ, स्पेशली बिकॉज 100% नेचुरल होते हैं, फ्री फ्रॉम एनी केमिकल्स होते हैं। एंड फॉर दिस थिंग रिसेंटली आई हैव बीन यूजिंग मामाअर्थ का बाय बाय ब्लेमिशेस फेस क्रीम। इसमें मलबरी एक्सट्रैक्ट एंड विटामिन सी मलबरी एक्सट्रैक्ट एंड डेजी फ्लावर एक्सट्रैक्ट एक यूनिक नेचुरल फॉर्मुलेशन है, बिकॉज ऑफ विच यूल गेट सॉफ्ट एंड ग्लोइंग स्किन। बेसिकली क्या करता है कि आपके जो डार्क स्पॉट्स होता है, जहाँ पे पिगमेंटेशन थोड़ा ज़्यादा होता है, वहाँ के मेलानिन डिपॉजिट्स को रिस्ट्रिक्ट करता है, एंड डार्क स्पॉट्स, पैचेस और हाइपर पिगमेंटेशन को ये रिड्यूस कर देता है, और आपको मिलती है कंप्लीट इवन स्किन टोन। कैसा है, सोशल मीडिया का ज़माना है, सबको रील्स डालना है, फोटोज़ डालना है, वीडियोज़ डालना है, तो भाई एक इवन स्किन टोन होना मतलब अच्छा लगता है, प्रेजेंटेबल लगता है। और धूप से और अल्ट्रावायलेट रेस से आपके स्किन पे जो पिगमेंटेशन होता है, उसको विटामिन सी प्रिवेंट करता है, तो इसकी वजह से आप पे एक इवन स्किन टोन आएगा, नॉन ग्रीसी ग्लो होगा, पिगमेंटेशन रिड्यूस होगा और स्पॉट करेक्शन होगा। और इसके साथ ये भी काफ़ी ज़रूरी है, मामाअर्थ का विटामिन सी फेस वॉश, बिकॉज ऑफ एक्सीलेंट टर्मरिक प्रॉपर्टीज़। तो जैसे मैंने आपको बताया, विटामिन सी से जो सन डैमेज है स्किन पे वो कम होता है, एंड टर्मरिक की वजह से आपकी स्किन नेचुरली प्रोटेक्ट रहती है, बिकॉज टर्मरिक में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ है, और एलोवेरा तो इसमें है ही, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है और उसके साथ साथ स्किन हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी है। और चाहे आपका स्किन टाइप कोई भी हो, ये प्रोडक्ट सारे स्किन टाइप को चल जाएंगे। चलो इसको यूज़ करते हैं, पहले मैं मुँह धो लेता हूँ अच्छे से, उसके बाद ये लगाता हूँ। ओके, और आपके फेस पे लगा देना है, और लगाने के बाद इसको सर्कुलर मोशन में थोड़ी देर मसाज करना है। चलो हो गया। सो दे रिकमेंड इसको 2 बार दिन में लगाएं, डे एंड नाइट, फॉर क्लियर एंड हेल्दी स्किन। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट यूजिंग मामाअर्थ प्रोडक्ट इज बिकॉज ऑफ देयर प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव। सो एवरी टाइम यू बाय एनी प्रोडक्ट फ्रॉम मामाअर्थ, दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट। वैसे तो ई कॉमर्स पोर्टल पर भी मिलता है, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पर्पल, नायका, लेकिन अगर आपको 20% डिस्काउंट चाहिए, जो अपना कूपन कोड है SARE2020, तो वो आपको mamaearth.in इनके वेबसाइट पे मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड चाहे तो आप मामाअर्थ के ऐप से भी शॉपिंग कर सकते हैं, एंड्रॉइड के लिए भी है, iOS के लिए भी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड नीडलेस टू से, मामाअर्थ इज अ प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड, इनफैक्ट दे रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन दे यूज। तो डू चेक आउट दिस प्रोडक्ट, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी जरूर चेक करना। Alright, so hello guys, स्वागत है सबका मेरे चैनल पे। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिषेक, विद अ न्यू लुक टोटली, बिकॉज लास्ट वीडियो में जो टी शर्ट मैंने लिया था, मैंने सोचा कि इससे बेटर मौका कहाँ मिलेगा जहाँ पर नया टी शर्ट पहनेंगे। वैसे अच्छा लग रहा है, नॉट बैड, बढ़िया। ये थोड़ा पसीना पसीना हो गया है, वो हो जाएगा ठीक कार में जाके। और ये कैप, मेरी मासी की लड़की मतलब मेरी बहन है, कजिन, वो भी आ सकती है। ये देखो, ये कुछ अजीब हो रहा है। तो ये मेरा जो ट्रिमर है, ये अपने आप शुरू बंद हो रहा है, और ये देखो, ये मैं दबा रहा तो शुरू बंद होता नहीं है, पता नहीं क्या हो गया इसको, अचानक से अजीब बिहेव कर रहा है, तो आई थिंक ट्रिमर भी नया मंगाना पड़ेगा। ठीक है, ये सो माई सिस्टर इज ऑल्सो ज्वाइनिंग, बिकॉज मैं सोचा कि उसको भी चलो एक्सपीरियंस कराते हैं, क्योंकि उसको ज़्यादा घूमने को मिलता नहीं है, तो उसको भी अच्छा लगेगा। और ठकुराइन जी, अरे किधर हो, बहुत टाइम हो रहा है। एंड ठकुराइन जी उर्फ मिसेस वॉन्डरसेन इज हियर। यस, रेडी। क्या बात है, एकदम मेकअप का नया सामान, नया शॉपिंग वॉपिंग किया आज, पूरा यूज कर लिया लगता है, शर्ट भी न्यू, मेकअप का सामान भी न्यू, क्या बात है, फुल फोटोज की तैयारी में एकदम। चलो पटक से निकलते हैं, थोड़ा लेट हो गए हम लोग एज यूजुअल, लेकिन कर लेंगे। चलो काल उसने पागल करून सोडला अभिनय का, का एक तो एकटा सागरला सांगितलं आणि वरतून रेडी व्हायला टाइम लागतो ना। ये देखो बारिश में बंबई के रास्ते, हॉट चॉकलेट देख, चाय, वो पतली पतली वो चाय है, इधर ये हॉट चॉकलेट है। और चलो पहुंच चुके हैं हम हमारे डेस्टिनेशन पे, नालासोपारा ईस्ट। तो नालासोपारा आपने काफी बार सुना होगा, स्पेशली कपिल शर्मा शो में, मसाज पार्लर। हाँ, मसाज पार्लर। सो जहाँ हम जा रहे हैं, मतलब जिसमें हम जा रहे हैं, वो मेरे आंखों के सामने है, और इट इज ह्यूज। तो हमारा घर आज के लिए, वो क्या बात है, दिस इज अ ह्यूज बस मैन। और ये देखो महाराष्ट्र टूरिज्म। Alright, so मैं अभी एंटर करने वाला हूँ। ओ माई गॉड, ओ दिस इज अ फाइव स्टार होटल मैन। ओ
क्या बात है यार, दिस इज ब्यूटिफुल, बहुत ही बढ़िया। तो आपको टूर देने से पहले मैंने थोड़ा चेक कर लिया किधर किधर क्या क्या है, थोड़ी देर में हम लिख लेंगे, तब तक मैं थोड़ा अंदर का शूट कर लेता हूँ ताकि फिर बाहर का मजा हम निकलने के बाद करेंगे। ये एंट्रेंस है, यहाँ से हम एंटर करेंगे। तो यहाँ से एंटर होगा और जैसे ही अंदर आएंगे आपको ये इतनी बड़ी बस दिखेगी। दिस इज जस्ट लाइक अ होटल रूम, लेकिन यहाँ पे है वॉशरूम सबसे इम्पोर्टेंट। वाह क्या बात है, यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स है, हीटिंग और टाइमर ऐसा कुछ। और ये क्या है, आई थिंक दिस आर द वार्डरोब्स। ओके समझ गया, काफी सारा सामान आप आपका रुक सकते हैं। और फिर आते हैं मेन पार्ट में, ये रहे सीट्स। वाह क्या बात है, मस्त लग रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा है मैं बस में हूँ, ऐसा लग रहा है मैं घर में हूँ। तो अभी अभी बस शुरू हुई इसलिए एसी का आवाज़ थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन थोड़ी देर में नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बड़ा सा मिरर है, नीचे जगह जगह प्लग्स है, लाइटिंग एवरीवेयर, स्पीकर्स एवरीवेयर, हर जगह पे स्पीकर्स है, देखो एसी वेंट्स। तेरा एक बड़ा सा सोफा जो बेड भी बनता है, तो इसको अगर आप बाहर निकालेंगे तो इसको रात को सोने के लिए दो लोग आराम से सो सकते हैं, इतना बड़ा है। इनफैक्ट क्या मस्त व्यू आएगा देखना, मतलब यहाँ पे बैठ के अपन ट्रिप कर रहे हैं, असली मजा ये व्हीकल में लॉन्ग ट्रिप पे, जब लंबे ट्रिप पे जाते हो तब तब असली मजा आएगा। होपफुली कभी मौका मिले तो हम जरूर करेंगे। यहाँ पे टच कंट्रोल फॉर लाइट्स देख सकते हैं। तो यार फर्स्ट हाफ ऑफ द बस जब आप एंटर करते हो, अभी मेन नेक्स्ट हाफ यहाँ पे, ये चीज़ क्या है, सोचो ये चीज़ क्या है। मुझे पता ही नहीं थी जब मैं एंटर किया यहाँ पे, तब ठाकुरान जी ने मुझे बताया कि ये किचन है। तो वेलकम टू आवर किचन फॉर फ्यू आवर्स। वाह क्या बात है, चिमनी वगैरह सब है। ओके सो वी हैव अ फ्रिज, क्या बात है जी, एक छोटी सी चॉपर, बेसिक यूटेंसिल्स। तो आप आपका खाना घर से ला सकते हैं, कच्चा खाना है, जो भी सेमी कुक फूड है वहाँ पे आके आप कुक भी कर सकते हैं। हमने भी लाया मैगी, लेट्स सी मौका मिले तो। वैसे मैगी यहाँ पे है, यहाँ पे प्लेट्स, डिशेस, ये सब चीज़ें, और यहाँ पे एक वॉश बेसिन। सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर अ स्मॉल किचन, मतलब आप आपके इमीडिएट चीज़ें खाने पीने की आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। दिस इज़ अ गुड किचन, अगर अंदर में कुछ तड़का वड़का आता है तो बाहर निकल जाएगा चिमनी की वजह से। सो मोटो हम में आपको दो तीन ऑप्शंस मिलते हैं, ये सबसे बड़ा ऑप्शन है, तो ये सबसे बड़ी वाली गाड़ी है। इससे एक मिड साइज की भी आती है और एक छोटी भी आती है, आई थिंक मराजो है ऐसा कुछ है, उसके ऊपर टेंटिंग और ये सब चीज़ें होती है। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जाके चेक कर सकते हैं, इनके डिस्क्रिप्शन में आप जरूर चेक करना, उनके काफ़ी सारे ऑप्शंस है। एंड मोटो होम इज एसोसिएटेड विद महाराष्ट्र टूरिज्म, विच इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव टेकन बाय महाराष्ट्र टूरिज्म। सो ये रहा सेकेंड हाफ, यहाँ पे भी सेम थिंग, एक बड़ा सा काउच और ये बेड बन जाएगा, यहाँ पे इको जैसा बड़ा सा टेबल है। और ये रहा एक पार्ट, ये भी एक काइंड ऑफ किचन ही है, मतलब सर्विंग यूनिट बोल सकते हैं, यहाँ पे आपका खाना वाना रख सकते हैं। इंटरेस्टिंगली अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में कुछ कुक नहीं करना है, बेसिक चीज़ चाहिए, तो यहाँ पे एक इंडक्शन है, क्या बात है। इसके अंदर है माइक्रोवेव ओवन और यहाँ पे है आपका वाईफाई भी है एयरटेल का, और कुछ स्विचेस है, इनफैक्ट ये एक टीवी यहाँ पे और दूसरा वो वहाँ पे। तो भैया मोर स्टोरेज है, यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ की लॉन्ड्री वाली चीज़ें, ब्लैंकेट, स्टॉल्स। सो दिस इज अ स्मॉल टूर ऑफ मोटो होम कैंपर वैन, सबसे बड़ी वाली। अब हम वेट कर रहे हैं यहाँ के मैनेजर का, वो जैसे ही आएंगे हम एक छोटी सी ट्रिप पे निकलेंगे और आपको एक एक्सपीरियंस देंगे। तो मैंने सुना है कुछ रूफटॉप का भी है यहाँ पे, बस ऊपर जाके देयर आर लाइक टेबल्स एंड ऑल, वी विल हैव टू आस्क देम। ऑलराइट सो वी हैव स्टार्टेड और अभी से मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया है, ये देखो। ओ तो सोचो हम जब लंबी लंबी ट्रिप्स करते हैं वो अगर एसी टाइप की गाड़ी में अगर हम कर पाए तो क्या मज़ा आ जाएगा यार, मतलब मस्त ऐसा काउच पे बैठ के आराम से बाहर का नज़ारा देख के, कोई टेंशन नहीं है, धूप हो बारिश हो, एकदम बाइक राइड के बाद यहाँ पे ट्रैवल करना, मतलब है ना डिफरेंस, मेजर डिफरेंस, ये एकदम अल्ट्रा लग्जरी है। अल्ट्रा हम लोग एक जगह पे रुकी है, कौन सी नदी है ये, तानसा रिवर, हम लोग तानसा लेक बहुत जाते रहते हैं, आई एम अ बाइकर एक्चुअली, तो मैं मोटरसाइकिल चलाता हूँ। और ठाकुरन जी को ट्रैवलिंग में भी खाना बनाने का है ना, बनाने का है हाँ, तो फिर बनाने का है ना। तो एक्चुअली हम कुछ खा के आए नहीं है, बिकॉज हमने सोचा कि थोड़ा बस में एक्सपीरियंस लेंगे खाने का। ओ हो मैगी बनना शुरू हो चुकी है, क्या बात है। रूफ टॉप देखोगे तो वाह, तो ये जो बड़ी बड़ी खिड़कियाँ आपको दिख रही है, कभी कभी ऐसा होता है कि अपने को सोना होता है, अंधेरा चाहिए तो होता है, तो इसको अपन नीचे कर सकते हैं ऐसे, क्या बात। तो अभी अभी सूत्रों से
पता चला है कि ये बस की प्राइस 1.5 करोड़ है, मतलब सब कुछ बना बना के। लेडीज इन द हाउस चिलिंग, भूख लगी है लेडीज को। चलो वो सभी जाते हैं ऊपर, और ऊपर का ओ हो भाई साहब, ये तो एक्सपीरियंस ही कुछ अलग है। वाओ लुक एट दिस। तो ये देखो यहाँ पे बैठने के लिए उन्होंने जगह करके रखी है, यहाँ पे लॉन जैसी व्यवस्था है। ब्यूटीफुल व्यू, क्या बात है। तो पता नहीं मैगी खाने का जो मज़ा है वो मुझे घर पे कभी नहीं आता। घर पे मैं मैगी खाता ही नहीं हूँ क्योंकि मुझे वो एक्साइटमेंट नहीं आती है। मैगी ऐसे लोकेशन पे खाई जाती है। और वो वहाँ पे वो बच्चे लोग खेल रहे हैं, वो हम लोग को देख रहे हैं, वो लोग सोच रहे होंगे ये कौन सी टाइप की बस है, पहली बार हमने ऐसी बस देखी है। पर इंडिया में ये कॉन्सेप्ट नया है ना, तो काफ़ी लोगों को थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है ये सब देखने में। फॉरेन में ये सब बहुत चलता है। सही है बॉस, यहाँ पे बारबेक्यू ऐसा कुछ कर सकते हैं ना तो बढ़िया हो जाएगा। एक लोकेशन पे गाड़ी लगा देने का और आराम से देखने का। वैसे गुड वेदर फॉर राइड। चलो नीचे आते हैं। तो हमारी बस बाहर से कैसे दिखती है आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है हमारी बड़ी सी बस। क्या बात है, एक फ्रेम में आ भी नहीं रही है। हाँ अभी थोड़ी दिख रही है। तो ये देखो यहाँ पे लिखा है मोटो होम कैंपर वैन ऑन रेंट। यहाँ पे नंबर है, अगर आपको चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इनको। एंड सपोर्टेड बाय महाराष्ट्र टूरिज्म। यार कितना सही लग रहा है यार, ऐसे लॉन्ग ट्रिप पे जाने का, मस्त आराम से चेयर पे आराम करते हुए, राइडिंग गियर की झंझट नहीं, कुछ की झंझट नहीं। और खुद की कार में भी जाओ तो एक्चुअली डिफरेंस है ना, मैं कंफर्ट नहीं है। ये लग्जरी ट्रैवल है लेकिन राइडिंग के साथ अपन इसको कंपेयर नहीं कर सकते। नहीं, राइडिंग इज समथिंग एल्स, हर कोई नहीं कर सकता, ये हर कोई कर सकता है। तो ये एक्सपीरियंस अगर आपको अच्छा लगे तो डू हिट द लाइक बटन, क्योंकि मेहनत लगती है सब करने के लिए। बाकी सब बढ़िया बढ़िया। वापस जाने का मन नहीं हो रहा है, मुझे लगता है यहीं पे और थोड़ी देर बस थोड़ी देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं जहाँ से हम निकले थे, लेकिन जाने का मन नहीं हो रहा है। तो देखते हैं फ्यूचर में कभी अच्छा प्लान बना तो ठीक है, ये कुछ घंटों का प्लान था। तो हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन पे, लेकिन जाने के पहले थोड़ा वॉशरूम का एक्सपीरियंस भी मैं ले लेता हूँ। आओ, मत पूछो मत पूछो, बढ़िया एक्सपीरियंस था। अरे ये लाइट भी लग गए, क्या बात है, एकदम सेलिब्रिटी वाली फीलिंग, एकदम वैनिटी वैन वाली फीलिंग आ रही है। यहाँ पे हीरोइन बैठती है और यहाँ पे मेकअप होता है। तो आपको अगर ये एक्सपीरियंस लेना है, ऐसी बड़ी वैन में ट्रैवल करना है, इससे थोड़ी छोटी भी आती है, उससे थोड़ी छोटी भी आती है, तो आप मोटो होम को जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। एंड जरूर बताना कि आप मेरे रेफरेंस थ्रू आए, मतलब उनको पता चलेगा कि हमारे चैनल देख के कोई आया है तो थोड़ा वजन बढ़ता है। चलो हो गया, चलो चलो अभी निकलते हैं यहाँ से। फोटोज वोटो सब निकाल लिया, इंस्टाग्राम पे जरूर चेक करना, वॉन्डरसेन मिसेस डॉट वॉन्डरसेन, और उसका तो चलो प्राइवेट अकाउंट है। तो चलो डन सेट, चलो चलो। ये क्या कर रहे हो? अरे वो हेलमेट पहनने की अगर निकलने की आदत है ना, तो हेलमेट इसमें बांधता हूँ मैं सिर पे और फिर निकलते हैं। मैं वही सोच रही हूँ, ये रुमाल निकाल के इसको ट्रायंगल, ये यूजुअली हेलमेट में करते हो। देख मतलब मैं कहीं भी ट्रैवल कर लूँ, बाइक अपने मन में है। सो कैसा था एक्सपीरियंस? वंडरफुल, बढ़िया था, वेरी वेरी ब्यूटी। कैसा था? झकास, बढ़िया था, मस्त। हाँ ग्रुप रहे तो और फन है। हाँ ग्रुप रहेगा तो ज्यादा मजा आएगा, मैंने बोल के रखा है। मे बी नेक्स्ट टाइम जब वो लोग प्लान करेंगे कुछ है तो वन नाइट टू डेज तो हम लोग जा सकते हैं, मतलब बारबेक्यू ये सब चीज़ें होती है, कैंपिंग होती है, मज़ा आता है, बॉनफायर, वाह, मतलब यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। चलो तो हम लोग आ चुके हैं घर पे। तो आई होप आपको ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा, छोटा सा एक्सपीरियंस था, ज़्यादा नहीं था, लेकिन होपफुली फ्यूचर में हम जो है वो अच्छे से प्रॉपरली ट्रैवल एक्सपीरियंस इस पे कर पाए। सो वेल दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। डू हिट द लाइक बटन, जरूर लाइक दबाना, बिना लाइक किए मत जाना, क्योंकि एफर्ट्स जो लगते हैं उसके लिए लाइक जब आता है तब अच्छा लगता है। एंड डू सब्सक्राइब टू चैनल, फिर मिलता आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक खुश रहो, आबाद रहो, भटकते रहो। और ये कर्टन्स जो है ये होपफुली नेक्स्ट ब्लॉग में हम लगा लेंगे। मिलते हैं। Now